सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं रामकृष्ण शर्मा, यूनिट 3 के लास्ट लेक्चर हारमोनियम सोसाइटी में एजुकेशन संस्कार के प्रोसेस को लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। तो डिस्कशन है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन संस्कार। कभी कभी एकेटीओ के एग्जाम में भी प्रोसेस में बात हो सकती है। ऐसे आपके जीवन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए, जब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन संस्कार की बात करेंगे तो फैमिली में जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके एजुकेशन संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन संस्कार स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो सीखता कहाँ से है? वो माता पिता से सीखता है, उसमें संबंध भाव रहता है, इसीलिए तो वो सीखना चाहता है। वो माता पिता को ऑब्जर्व करके सीखता है क्योंकि वो उस पर विश्वास बनाकर रखता है कि ये मेरे माता पिता है, जो करेंगे वही मुझे सीखना है। तो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन होता है, जस्टिस। जस्टिस क्या? जस्टिस इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टार्ट कहाँ से करता है? चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप से वो स्टार्ट करता है, वहाँ से समझने का प्रयास करता है। वो सारे इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसका उसकी इच्छा होती है वो सही कार्य और व्यवहार करे। सही कार्य और व्यवहार सही क्या है उसके लिए? सही उसके लिए वो है जो पेरेंट के कार्य व्यवहार से वो देख पाता है। तो ये उसका डिजायर होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। वो सत्य वक्ता है, वो सत्य बोलना चाहता है। मतलब उसने जो कार्य व्यवहार में जो माता पिता से उसको मिल रहा है वैसा ही वो बिहेव करना चाहता है, वही उसके लिए सत्य है। और अगर एबिलिटी को भी देखने जाएं तो वो जस्टिस ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में जस्टिस को फुलफिल करने में एबल है, सक्षम है, ठीक है, उसमें सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता है। और वो हर बात को वैसे ही ठीक ठीक बहुत बात को सामने पहुंचा पाता है। अब उसके लिए ये सत्य है क्या? इन सारी चीजों की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर किसी बच्चे में कोई चीज उसके अंदर इनपुट करा रहे हैं तो इनपुट दो तरीके का हो सकता है। एक तो ऐसा कि मैं उसको जो भी कार्य और व्यवहार उसके साथ कर रहा हूँ और जो मैं उसको करने के लिए कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग हों। दूसरा, जो मैं कार्य व्यवहार उसके साथ कर रहा हूँ वैसा ही उसके साथ कार्य व्यवहार कर भी रहा हूँ, वैसे उसको कह भी रहा हूँ करने के लिए, तो दोनों बराबर हों। जब डिफरेंस होगा तो कन्फ्यूजन की स्टेट आएगी। जब दोनों चीजें सही हो, एक समान हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन में उसमें कोई कंफ्यूजन की स्टेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि बेटा तुम सच बोला करो, अगर मैं हर मोमेंट पर जो भी मैंने प्रॉमिसेस किए हैं या जो भी जिस भी तरीके से मेरा जीवन यापन है उसमें मैं जो भी मैंने प्रॉमिसेस किए हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूँ, मेरा बच्चा देख रहा है तो मेरे बच्चे को सत्य का मतलब पता है और वो वैसे ही बिहेव करेगा। कहने से सत्य नहीं हो जाता है। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूसरा तरीका यह है कि भाई मैं उससे बोलूं कि तुम सत्य बोलो और मैं खुद ही झूठ बोलता हूँ, तो जब मैं झूठ बोलता हूँ तो उसके में कंफ्यूजन की स्टेट पैदा होती है। तो कब सच बोलना है कब झूठ बोलना है ये वाली एबिलिटी धीरे धीरे उसमें आने लगेगी। और सच बोलना है ये मेरे कहने के बावजूद वो सच बोलने वाली स्थिति आ जाए ऐसा जरूरी दिखाई नहीं देता है। केवल एक ऐसी एग्जाम्पल ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें हम लोग ले सकते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है, जस्ट पैदा हुआ है, तो देखने में तो लगता है कि उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं, हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको बहलाते फुसलाते रहते हैं, लेकिन वो हमारी एक एक चीज को ऑब्जर्व करता रहता है संबंध भाव के साथ। वो समझ में कब आता है? जब वो 1.5 साल का होता है और बोलना स्टार्ट करता है, तो हम ये देखते हैं कि बचपन से हम जो कुछ भी बोलते आ रहे हैं वो उन सारे शब्दों को अपने में समाहित करता जा रहा है, और जब वो बोलता है तो वो सारे शब्द बाहर निकलने लगते हैं। जिस लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बात करते थे वो लैंग्वेजेज उसको समझ में आने लगती है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और भी जो लैंग्वेजेज होती है, ठीक है। वो ये अज्यूम करके चल रहा है, स्टार्टिंग यहीं से कर ही रहा है कि पेरेंट हमारे रिलेटिव हैं और पेरेंट जानते हैं, तो जो पेरेंट जानते हैं वो मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे सीखना है, इसी प्रक्रिया के साथ वो स्टार्ट करता है और उसमें वो सारी चीजें सीखता है। केवल शब्द ही नहीं, सीखने की बात देखें तो सीखने में और भी चीजें आती हैं, जैसे परिवार में सभी जनों का अलग अलग एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन भी बच्चे में दिखाई देने लगता है, लोगों की तरह वो बिहेव करने लगता है, लोगों की तरह बर्ताव करने लगता है। इसके अलावा
अलग अलग तरीके की जो भी लोग एक दूसरे के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार, वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ जैसा हम बिहेव करते हैं वो बच्चे के अंदर दिखाई देने लगता है, और उसको देखकर हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारा कार्य व्यवहार कैसा है। 3 साल तक होते होते बच्चे की का जो व्यवहार है वो मुझे ये बताना स्टार्ट कर देता है कि किस तरह से ये व्यवहार मेरा रहा होगा, मैं उसको देखकर अनुमान लगा सकता हूँ। बहुत परिवारों में देखा गया है, अगर बच्चे के पिताजी बच्चे की माता को, मतलब अपनी पत्नी को, हस्बैंड लगातार अगर पिंच करते रहते हैं, टोंट कसते रहते हैं, अलग अलग तरीके से परेशान करते रहते हैं, तो बच्चे में भी ये गुण धीरे धीरे आने लगता है, और वो भी गुण तो नहीं कहेंगे अवगुण कहेंगे, और वो भी अपनी माँ के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखने को मिला है कि भाई बच्चे की तरफ, पिता की तरफ से जो होता है वही बच्चे में भी चला जाता है और वो सीखने लगता है, या माता की जो एक्टिविटीज होती है वो बच्चे में, किसी एक का असर या दोनों का भी असर कभी कभी पड़ने लगता है, कंफ्यूजन की स्टेट। अब यहाँ से 2 चीजें हो सकती हैं, अगर मेरा कार्य व्यवहार ठीक होगा तो बच्चे का कार्य व्यवहार ठीक होगा, मेरा कार्य व्यवहार जैसा होगा बच्चे का कार्य व्यवहार वैसा ही होगा, तो अगर मेरे कार्य व्यवहार में कहीं कंफ्यूजन होगी तो बच्चे के भी कार्य व्यवहार में कंफ्यूजन होगी। तो जब उसके कार्य व्यवहार में कंफ्यूजन होगी तो वो उसी के हिसाब से आगे का जीवन यापन करेगा। अभी तक तो वो सब कुछ जैसा हम कह रहे थे तो वैसे ही फॉलो करता चला जा रहा था, अभी भी फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 से 6 साल की एज में 2-3 घटनाएं घटती हैं। पहली घटना होती है कि वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है इसी बीच में। दूसरा है, वो नए फैक्ट्स को धीरे धीरे लर्न करना, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और क्वेश्चन पूछने लगता है कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है, इसको कैसे ठीक करें या कैसे डील करें। बहुत सारे क्वेश्चंस जो उसके आते हैं उसका ठीक ठीक साइंटिफिक आंसर अगर दे पाते हैं तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन है, अगर मेरा कार्य व्यवहार ठीक है तो उसके क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ उटपटांग भी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन मेरा कार्य व्यवहार ठीक है, मैं समझदार जिम्मेदार हूँ, तो मैं उन क्वेश्चंस का ठीक ठीक उसको आंसर देता चलूंगा। तो ठीक ठीक आंसर दूंगा, संबंध भाव उसमें धीरे धीरे जनरेट होता जाएगा, तो उसमें माता पिता के प्रति विश्वास बढ़ेगा, वो ठीक ठीक आंसर मिलेगा तो उसकी समझ भी ठीक बढ़ेगी, और उसके आधार पर वो ठीक ठीक निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें बचपन से ही जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा कार्य व्यवहार कंफ्यूजिंग है, मेरे उतना समझदार जिम्मेदार नहीं हूँ, तो 2 चीजें होंगी, एक तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका सही सही आंसर ना देकर टाल मटोल कर सकता हूँ, तो टाल मटोल की भावना उसके अंदर भी आएगी क्योंकि वो मुझे ऑब्जर्व करके मुझसे सीख रहा है। दूसरा ये है कि मैं उसको बताऊं लेकिन ये बीच बीच में झिड़क के बताऊं तुम ये नहीं करते हो, तुम ऐसे बार बार मुझे परेशान करते हो, उसको समझ में आ जाएगा, तो उससे भी अगर आप कोई काम कहेंगे तो भी ये कह सकता है कि आप मुझे बार बार परेशान करते हैं, यहां से समस्या शुरू होती है, उसकी शरारतें दिखने लगती है। तो जो ब्लेम होता है उसको 2 जगह शिफ्ट करते हैं। तो पहला ब्लेम शिफ्ट करते हैं कि जो पड़ोसी है उनका बच्चा है वो खेलने आता है इसकी वजह से बिगड़ रहा है, या मोहल्ले में जो लोग हैं उनकी वजह से बिगड़ रहा है। और जब 5 साल का हो जाता है और स्कूल जाने लगता है तब ये कहते हैं कि बच्चा स्कूल में जा रहा है इसलिए बिगड़ रहा है, पता नहीं आजकल के टीचर क्या पढ़ाते हैं। जरा टीचर से बात करिए तो टीचर भी यही बताते हैं, आजकल के पेरेंट पता नहीं क्या सिखा के बच्चों को भेजते हैं। और सही से देखने जाए तो परिवार और स्कूल दोनों ही सीखने की जगह है, इसका मतलब दोनों ही जगह ठीक नहीं हो रहे हैं, उसको ठीक करने की आवश्यकता कहाँ है। तो मुझे लगता है कि ये जब मेरा कार्य व्यवहार ठीक होगा तो मैं बच्चे को ठीक ठीक कार्य व्यवहार दे पाऊंगा क्योंकि वो मुझसे सीख ही रहा है, ठीक है। और ब्लेम इस तरह से शिफ्ट होता चला जाता है, तो ब्लेम एक जगह शिफ्ट हुआ, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, फिर तीसरी जगह शिफ्ट हुआ, और इस तरह से ब्लेम शिफ्ट होता चला गया। इस दौरान में थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है, तो अगर 0 से 3 ईयर और 3 से 6 ईयर के दौरान मेरा कार्य व्यवहार सुनिश्चित था और मैं उसी समझदारी जिम्मेदारी के साथ बच्चे को सही और गलत के बीच में समझ के बीच का जो अंतर है उसको ठीक ठीक बता पाया हूँ, उससे बच्चे के अंदर ठीक ठीक भाव जाता है,
वो सुख और दुख के अंतर को ठीक ठीक समझ पाता है, भावों को ठीक ठीक समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग अनुसरण अंतरण के करते हुए वो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब उसके अपने में भी जो एक्सप्लोरेशन वो करेगा उसकी क्षमता बढ़ेगी, वो ठीक ठीक एक्सप्लोर कर पाएगा, सही गलत के डिफरेंस को समझते हुए वो एक्सप्लोर कर पाएगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस जिसको हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक वाइज, वो उसको सहज स्वीकृति को सही सही देख पाएगा बिना उसका नाम जाने। भाई बच्चा ये सब थोड़ी जानता है, सत्य क्या होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये टर्म थोड़ी पता है उसको, लेकिन वो उसका भाव उसके में समाहित हो जाता है और इस तरह से वो अनुशासित होकर ठीक ठीक जीने की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। वो कॉपी भी करता है, वो आज्ञा पालन भी करता है, अगर मेरा कार्य व्यवहार शुरू से ठीक था और मैंने उसमें सही गलत की ठीक ठीक समझ दे रखी है, लेकिन अगर मैंने सही गलत की ठीक समझ नहीं दे रखी है, मैं उतना समझदार जिम्मेदार नहीं रहा हूँ, तो जो मेरा ब्लेम शिफ्ट हो रहा था पहले पड़ोसी पर, पड़ोसी के बच्चे पर, अलग अलग मित्रों पर, रिलेटिव पर, फिर उसके बाद स्कूल के टीचर पर, फिर बड़े स्कूल में एडमिशन कराया तो वहां भी ये समस्या बनी रहेगी, और जो आज्ञा पालन की स्थिति है वो बच्चे में ठीक दिखाई नहीं देगी, वो बात बात पर मुझे भी झिड़कने का प्रयास करेगा, इस तरह से बिगाड़ स्टार्ट होता है। तो दोनों ही स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, अगर मैं ठीक हूँ तो चीजें ठीक होती दिखाई देती है, मैं ठीक नहीं हूं तो चीजें गलत होती दिखाई देती हैं। मतलब यह है कि जैसा मैं बीज रोपूंगा वैसा ही मुझे पेड़ या फल मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चे का लालन पालन या उसका एजुकेशन संस्कार कैसे करना है, उसके लिए संबंध पूर्वक अगर जाते हैं, विश्वास बनाते हैं कि बच्चा सीखना ही चाहता है, उस पर उसका ठीक ठीक सम्मान करते हैं, उस जैसा उसका क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, उसके शरीर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं समय समय पर उसका निर्वहन करते हैं, उसकी समझ के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं जिस तरह का वो जानना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको ज्ञान देते हैं, सही गलत के समझ अंतर को ठीक ठीक समझा पाते हैं, ये संबंध पूर्वक ही कर पाएंगे स्नेह भाव के साथ, तब तो उसमें डिसिप्लिन होगा और वो ओबीडियंट होगा। अगर संबंध भाव नहीं होगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि मेरा बेटा है, संबंधी है, लेकिन मैं मान के ही चलता हूँ उसको नहीं जीने जाता हूँ, तो संबंध भाव नहीं होगा, वे विश्वास में नहीं बना पाऊंगा कि वो ठीक करना ही चाहता है, तब मैं बार बार ये कहता रहता हूँ अरे आजकल के बच्चे कैसे हैं, हमेशा ऐसे खुरापात करते रहते हैं, ठीक है इस तरह की गलतियां करते रहते हैं, गलती करने की आदत है बच्चों में, ठीक है पिछले जन्म में कुछ रहा होगा तभी इस जन्म में ऐसा कर रहे हैं, या फिर बेटा तुम मुझे आजकल बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हो, बहुत परेशान करने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे अपने काम से मतलब रखने दो, स्कूल का होमवर्क लेकर बच्चा आता है उसको समझ में नहीं आता है तो मुझे न्यूज देखना है उस समय, बच्चे को कार्टून देखना है तो उस समय मैं न्यूज चैनल लेके बैठा रहता हूँ, बड़ा कार्टून चैनल, न्यूज चैनल तो जरा बड़ा ज्यादा बड़ा कार्टून चैनल है, वहां पर तो दुनिया भर की खुरापात की चीजें चल रही है, 20 लोग एक साथ बैठ के झगड़ा करके बात करते रहते हैं, फिर बच्चा वो भी देखता रहता है, एक तो आपसे सीखा दूसरे वो न्यूज चैनल से सीखा कि नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि पापा को ये पसंद है, देख रहे हैं, वो संबंध भाव आपने बना कर रखता है इसलिए वो भी सीखने लगता है, धीरे धीरे डिसिप्लिन कमजोर होने लगता है, आज्ञा पालन भी कमजोर होने लगता है। तो जैसा मैंने मेरा कार्य व्यवहार होगा, मेरा कार्य व्यवहार ही वो बीज है जिसे फल बनना है, मेरा कार्य व्यवहार जैसा होगा वैसे यहाँ पर दिखाई देगा। और इस स्थिति में जब बच्चा अपने अपने में वेरिफिकेशन करता है तो जो मेरा कार्य व्यवहार है उसके अनुसार जब वो आकलन करने जाता है चीजों को ठीक पाता है या गलत पाता है, दो चीजें, ठीक है। तो मैंने जो सत्य बोलने का एग्जांपल लिया था वहीं से आप इसको देख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरे में मैंने बच्चे से कहा सच बोलना चाहिए और उसने बार बार देखा कि मैं किसी से फोन पे या कहीं भी कुछ कह देता हूँ कि भाई सच नहीं बोलना चाहिए। अनुकरण अनुसरण यहाँ से भी हो सकता है कि पिताजी कहते हैं पढ़ाई करो, पिताजी खुद ही पढ़ाई नहीं करते हैं, तो अगर मैं होमवर्क लेकर यहाँ पर घर पे बैठा रहूंगा, मैं पढ़ाई करता रहूंगा तो बच्चा भी वहाँ पर पढ़ाई करेगा, ठीक है, तो मैं भी वैसे ही पढ़ाई करता रहूंगा तो वो भी पढ़ाई करेगा, तो ये इसकी जाँच परख उसमें चलती रहती है, तो जाँच परख करेगा और जाँच परख में 8 साल के दौरान उसका जांच परख शुरू होता है और 13 साल तक वो ठीक ठीक जांच परख करना सीख जाता है, अगर उसको ठीक ठीक मिला होगा कि सही और गलत के बीच में क्या अंतर है।
और अगर अंतर नहीं होगा तो उसको कंफ्यूजन मिलेगा, तो जब कंफ्यूजिंग नहीं होता है तो उसकी जांच परख का आउटपुट सही कहेंगे उसको, और जब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसका मतलब गलत है। कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आते हैं ठीक है या ठीक नहीं, इसलिए कंफ्यूजन, तो उसको गलत कहा यहाँ पर। और अगर कंफ्यूजन नहीं है, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं और वैसा ही जांच में उसके मिलता है, तो उसको सही कर रहे हैं, तब जब वो जांच में देखता है और सही दे पाता है, उसको ये समझ में आता है कि मेरे में जो चल रहा है, मेरे माता पिता जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं दोनों एक ही है, और मेरे में भी वही है, इसका मतलब वो सही चल रहा है। इसके आधार पर वो जो वेरीफाई करता है जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसके आधार पर उसको सही पाते हुए सेल्फ डिसिप्लिन होता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से और भी जो नए प्रपोजल्स होते हैं उनको भी वेरीफाई करने का प्रयास करता है, और वेरीफाई करते हुए वो जो संबंध को मान बैठा था उस संबंध को अब जानना जानने का प्रयास करने लगता है, संबंधों में एक्सप्लोर करने लगता है। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि संबंध पूर्वक जीना ही सही जीना है, और इस तरह से वो ठीक ठीक जी पाता है। और ठीक ठीक जी पाने की स्थिति में वो ये देख पाता है कि संबंध कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस में जब अपने में सही गलत की ठीक ठीक समझ उसके में खुद से बन जाती है, तो उसे दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट को ही स्वतंत्र नाम दे रहे हैं, वो स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, और संबंध पूर्वक सभी का निर्वहन करते हुए अपना भी वो निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब वो जानकर सारी चीजें करना चाहता है, ना कि केवल मानकर करना चाहता है, और इस तरह से उसमें सही समझ बनने लगती है। ठीक है, और वो धीरे धीरे संबंध पूर्वक जीते हुए लोगों के साथ फुलफिलमेंट करता रहता है। तो जब यही इसी आत्मविश्वास के साथ एक्सप्लोर करते हुए इसका विवाह होता है और अगला बच्चा आता है इस समाज में, तो उसको भी वो उसी स्थिर कार्य व्यवहार के साथ वो फिर से सिखाना स्टार्ट करता है। दूसरा बच्चा भी उससे और अच्छा सीखना शुरू करता है, और अगला जनरेशन इससे भी ज्यादा डिसिप्लिन होता है और कॉन्फिडेंस में भी आगे जाता है, तो अगली जो जनरेशन होती है वो ज्यादा डेवलप्ड होती है। ये सारा जो प्रोसेस है इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो चारों लेवल की हार्मनी को, व्यवस्था को ठीक ठीक कर, ठीक से ठीक समझ कर संबंध पूर्वक जीने जाते हैं, तो एजुकेशन संस्कार ठीक ठीक डाल पाएंगे बच्चे में, और वहां से चीजें ठीक होती हुई दिखाई देती है। अन्यथा मेरा कार्य व्यवहार ठीक नहीं है, तो मेरा कार्य व्यवहार ठीक न होने की स्थिति में उसमें कंफ्यूजन की स्टेट पैदा होगी, जो मैं कह रहा हूँ जो कर रहा हूँ वो अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में उसमें वो डिसिप्लिन का भाव नहीं रह जाता, और इस कंफ्यूजन में वो आज्ञा पालन वाली स्थिति को भी छोड़ देता है। वो जब वेरीफाई करता है तो वो देख पाता है कि जो मैं कह रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो एक जैसा नहीं है। फिर वो स्कूलों से पढ़ने वाली चीजें, घर पर होने वाली चीजें दोनों में अंतर पाता है। इसी दौरान जब वो स्कूल गया था तो उसका विश्वास टीचर पर ज्यादा बना, क्योंकि टीचर कुछ समय के लिए स्कूल में रहते हैं और उनका कार्य व्यवहार पेरेंट की अपेक्षा ज्यादा स्थिर है, ऐसा वो देख पाता है। तो वो ये देख पाता है कि टीचर तो नॉर्मली झूठ नहीं बोलते हैं, टीचर जो है उनका व्यवहार काफी स्थिर है, इसलिए उसका विश्वास टीचर के ऊपर ज्यादा बनता है। घर में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से कि भाई किसके ऊपर ज्यादा विश्वास है, और वो बताए कि टीचर के ऊपर ज्यादा विश्वास है, तो समझ लेना चाहिए कहीं परवरिश में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन थी तो उसका विश्वास तो टीचर पे बन रहा है, इसी वजह से वो टीचर की बात तो मानने के लिए थोड़ा बहुत तैयार होता है। कुछ समय के बाद वो देखता है कि टीचर में भी गड़बड़ियां हैं, तो उसके नए दोस्त बनने लगते हैं। वो दोस्त इसी सिस्टम का हिस्सा है, इस सिस्टम से ही जनरेट हुए हैं, वो भी अपने घर में ऐसा ही लगता है कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो वो और आप एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, तो दोनों बच्चे दोस्त हो गए, सब एक दूसरे का सुख दुख शेयर करने लगते हैं, और ये देखते रहते हैं कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनके हिसाब पर कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उनके अंदर ये विद्रोह और द्रोह की भावना और बढ़ती जाती है। हम अपनी तरफ से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विश्वास ऐसा बन ही नहीं पाया है, संबंध भाव टूट गया है, इस वजह से वो बात उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। और ये बात जो नहीं पहुंच पाती उसकी वजह से वो धीरे धीरे मनमानी करने लगते हैं,
अपने दोस्तों के साथ निकल जाना, जिनके साथ ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हीं के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो समय बिताने के लिए बाहर निकल जाना, लोगों के साथ घूमते फिरते रहना, अलग अलग जगह जाना, जो बाहर से इनपुट मिलते हैं उसमें जो सही लगे उसको सही मान लेना, जो गलत लगे उसको गलत मान लेना, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन वहां पर हो नहीं पाता है। तो मनमानी के ऐसी स्टेट में हम लगातार उसके ऊपर पिंच करते रहते हैं, ये नंबर नहीं पाओगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, हम अपनी तरफ से भी उसके ऊपर शासन बनाते रहते हैं। शासन बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग तरह के हम उसको भूल देते रहते हैं कि देखो तुम नंबर नहीं पाओगे तो अगले साल तुम्हारा क्या होगा, ये होगा। बच्चा देखता रहता है कि इस साल भी मैं पास हो गया, अगले साल भी मैं पास हो ही जाऊंगा, इसलिए उसको अब उसका डर नहीं रह जाता है। बहुत ज्यादा डर के साथ आप उसको नहीं समझा सकते, ठीक है। जैसे बचपन में बच्चे को दूध पिलाने के लिए अलग अलग डर दिखाते हैं, तो पहले डर दिखाते हैं कि चीटा पास आ जाएगा, ठीक है, तो काट लेगा, कुछ दिन बाद बच्चा चीटे को ही मारने लगता है और उसका डर खत्म हो जाता है। तो नया डर दिखाते हैं कि छिपकली दीवार पर से आ जाएगी और काट लेगी, छिपकली का भी डर जो है वो कुछ समय के बाद वो समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसको दिखता है कि छिपकली तो कभी दीवार से नीचे आएगी ही नहीं, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर और अलग अलग जीव जंतुओं का डर दिखाते हैं, छोटे जीव जंतुओं से बड़े जीव जंतुओं तक, फिर ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती हैं उनके प्रति भी डर का भाव दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो जो दिखाई नहीं देती, फिर परियों की कहानी, भूतों की कहानियां, ये सब में उसको ले आते हैं। तो बच्चे के अंदर जब डर देते रहेंगे तो कुछ समय तक वो दूध पिएगा, अगर दूध पीने की इच्छा नहीं तो बाद में फिर बंद कर देगा। लेकिन अगर सही से कार्य व्यवहार शुरू से रहा होता मेरा, तो मैं उसको साइंटिफिकली ये बता पाता कि दूध पीने के क्या फायदे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर दूध पीने की एबिलिटी आ जाती। तो डर से बहुत देर समय तक नहीं रोक सकते, अगर डर से रोक सकते होते तो भाई नए नए कानून बनने के बावजूद जो घटनाएं समाज में घट ही रही हैं, इसका मतलब डर से बहुत कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, उसको ठीक करने के लिए अपना कार्य व्यवहार सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। तो बच्चे के ऊपर शासन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, शासन में उसको नए नए डर दिखाते हैं, फिर ये भी दिखाते हैं कि हमारे जमाने में तो हम लोग इतनी मेहनत किए तब नौकरी पाए, तुम्हारे इस कंपटीशन के जमाने में तो और ज्यादा दिक्कत आएगी, नौकरी पाना तो बताना। बच्चा ऐसा भी सुनता रहता है और एक समय के बाद उसको नौकरी मिल जाती है और मेरा जो ब्लेम है वो शिफ्ट होता रहता है। मेरा ब्लेम भी इस बीच में शिफ्ट हो रहा था, स्कूल के टीचर से धीरे धीरे बड़े स्कूल के टीचरों पर ब्लेम शिफ्ट हुआ, स्कूल वालों पर ब्लेम शिफ्ट हुआ, फिर जब उसने कॉलेज में गया तो कॉलेज में, फिर नए दोस्तों के ऊपर ब्लेम शिफ्ट हुआ, ब्लेम मेरा लगातार शिफ्ट हो रहा है। ये जो ब्लेम शिफ्ट हो रहा है इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से वो बिगड़ रहा है, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार अलग अलग लोगों के ऊपर बहाने थोप रहा हूँ कि तुम उसकी वजह से गलत हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया, उसके साथ की वजह से बिगड़ गया। इसी बीच बच्चे की नौकरी लग जाती है और नौकरी लगते ही वो अब पूरे घर की इस कमान अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि आप कहते थे मेरी नौकरी नहीं लगी, अब तो मेरी नौकरी लग गई। वो भी डर उसका खत्म हो गया। जब डर खत्म हो गया तो उसके बाद आप अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, वो अपनी चलाने की कोशिश करेगा, दोनों के बीच में फिर विद्रोह होगा, संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। इस संघर्ष की स्थिति में आप फिर ब्लेम को शिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे नौकरी लगने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, जब से नौकरी लगी है तब से बिगड़ गया है, उसके पहले क्या था, उसके पहले भी तो आप ब्लेम कर रहे थे किसी पर, मतलब उसके पहले नहीं बिगड़ा था। अगर ऐसी बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना कार्य व्यवहार सुनिश्चित हुआ होता, जो बीज हमने बोया था उसी का फल अभी मिल रहा है। पैरों में बेड़िया बांधने के लिए फिर शादी कर देते हैं, उसी सिस्टम की एक लड़की आती है घर में, जिस सिस्टम से ये लड़का बना है उसी एजुकेशन संस्कार से प्रोसेस होके आई है, दोनों की शादी हो जाती है, कुछ दिन तक वो संभालने का प्रयास भी करती है, लेकिन विद्रोह और संघर्ष जो लगातार चल रहा था उसमें वो ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाती, उसको तो अपने पति के साथ ही रहना है। तो कुछ समय के बाद वो भी पति का साथ देते हुए और संघर्ष में वो युद्ध छेड़ देती है और धीरे धीरे और वो विकराल रूप ले लेता है परिवार में। तो जो ब्लेम है वो शिफ्ट हो जाता है कि ये लड़की के आने की वजह से सब घर में खराब हो गया,
तो लड़की के आने की वजह से खराब हो गया है, पहले से सब खराब था। लड़का इतना समझदार था तो लड़की के आने से क्यों बिगड़ गया? मैं इतना समझदार था तो अपने बच्चे को शासन अनुशासन क्यों नहीं दे पाया? लेकिन वो ब्लेम शिफ्ट कर दिया हमने, अब ब्लेम, क्योंकि मैं अपने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं ब्लेम बार बार शिफ्ट कर रहा हूँ। तुमने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले पाता, ये भी तो एक बात है, लेकिन वो मैं ले ही नहीं पा रहा। तो ये संघर्ष की स्थिति धीरे धीरे युद्ध की स्थिति में बदल जाती है। और ये जो स्थिति है, ये इसी दौरान एक बच्चा पैदा हो जाता है घर में, और वो जब पैदा होता है तो युद्ध की स्थिति चल रही होती है, वो तो विश्वास भाव के साथ जन्म लिया, अब वो अनुसरण की स्थिति में है। जब अनुसरण की स्थिति में है, अगला जनरेशन जब अनुसरण की स्थिति में आता है तो वो वही चीज सीखेगा जो चल रहा है। तो चल क्या रहा है? विद्रोह, संघर्ष और युद्ध चल रहा है घर में। तो उसी में वो भी विद्रोह, संघर्ष और युद्ध वाली स्थिति में कंफ्यूजन के स्टेट में चला जाता है और यही सब सीखने लगता है, और धीरे धीरे अनुशासन और बिगड़ने लगता है। जांच में और सारी चीजों को गलत पाता है, क्योंकि बुक में कुछ और पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कुछ और चल रहा है, घर में कुछ और चल रहा है, करने के लिए कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, अपना खुद कुछ और कर रहे हैं, फिर शासन उसके ऊपर भी होगा। तो वो तो पहले से ही स्थिति खराब है, तो वो उसकी स्थिति यहाँ और खराब हो जाएगी, तो अगला जनरेशन और भी कम डेवलप दिखाई देता है। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन लगातार बढ़ता जाएगा। फैमिली में एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपोजिशन है वो बढ़ता जाएगा, संघर्ष बढ़ता जाएगा, सोसाइटी और खराब होती जाएगी, और हम बैठकर इसी तरह लाचारी के साथ करते रहेंगे कि अगली जनरेशन तो और खराब आएगी। यही कमिंग अभी जो जनरेशन आई है नई वाली, वही बहुत खराब है। हम लोगों के जनरेशन में तो ऐसा होता था, ऐसा बोलेंगे और ऐसे ही ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे। अपनी जो जिम्मेदारी है, जहां मुझे ठीक करने की आवश्यकता थी, उसको अपनी जिम्मेदारी को ना निभाकर दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। मैं इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से ले लेता हूँ कि भाई जो रिश्वत है वो खराब चीज है, ऐसा सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई मुझसे काम कराने आता है, मैं सरकारी नौकर हूँ, तो मैं रिश्वत लेना अच्छा समझता हूँ, और जब कोई और मेरे से रिश्वत मांगता है किसी और काम के लिए, तो मैं कहने लगता हूँ कि रिश्वत बहुत खराब चीज है, रिश्वत बहुत खराब चीज है। काम करवाने के लिए लोग रिश्वत देने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो जो गलत है उसको जानने के बावजूद मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी मेरा कार्य व्यवहार सुनिश्चित नहीं हुआ है। जो मैं सही समझ रहा हूँ उसको नहीं कर पा रहा हूँ, अभी समस्या दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे में ही सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है, तो अपने बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समाज में अलग अलग रूल्स जो है वो मैंने अपने लिए बना रखे हैं, और उसके अकॉर्डिंग में चलने का प्रयास करता हूँ। तो जब इस तरह का प्रयास रहेगा तो उससे पीढ़ी दर पीढ़ी खराब ही होती जाएगी। तो सही क्या है? मेरा कार्य व्यवहार सही होता, कार्य व्यवहार सुनिश्चित होने से मैं समझदार जिम्मेदार होता, तो मैं अपने बच्चे को भी शरीर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा निर्वहन करते हुए, उसके समझदारी समझदार और जिम्मेदार होने के लिए जो जरूरतें हैं वो भी मैं पूरा करने का प्रयास करता। आजकल बहुत सारे बच्चों से पूछिए तो कहते हैं मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या, और उनसे पूछिए क्या नहीं किया तो बताएंगे खाली उन्होंने खाना पीना ही कपड़ा ही तो दिया, और बाकी जो, तो बच्चों को और क्या चाहिए? प्यार चाहिए, बच्चों को और क्या चाहिए? उनको समझदारी चाहिए, जिम्मेदार कैसे हूँ। उसके लिए परिवार के सभी जनों को ठीक ठीक प्रयास करने की आवश्यकता दिखाई देती है, और वहां पर कमी रह जाती है तो समस्या बिगड़ने लगती है। जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता बल्कि और खराब होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो अपना कार्य व्यवहार ठीक सुनिश्चित हो जाए, मैं समझदार जिम्मेदार हूँ, मैं बच्चे में भी साइंटिफिकली चीजों को भरता जाऊंगा, वो मेरे कार्य व्यवहार को जैसा देखेगा वैसे ही वेरिफिकेशन में भी पाएगा, तो उससे उसका डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो उसके अकॉर्डिंग कार्य और व्यवहार अपना सुनिश्चित करता है। और जब उसका बच्चा होगा तो वो भी अनुसरण अनुकरण के स्टेट में उससे कार्य और व्यवहार ठीक ठीक समझ पाएगा। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन या डेवलपमेंट और बढ़ता जाएगा। तो इसको ठीक करने की जो आवश्यकता है वो मुझे लग रहा है मेरे में ही ठीक करने की आवश्यकता है। मैं ठीक हो जाऊंगा तो अगली जनरेशन भी ठीक हो जाएगी, सोसाइटी में सब कुछ ठीक होने के आसार बनते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बहुत सारी समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं।
मानवीय एजुकेशन संस्कार जो है वो यही है, जिसमें टीचर तो टीचर है ही, पेरेंट भी टीचर है, तो पेरेंट और टीचर दोनों मिलकर, इसके अलावा समाज भी, तीसरा जो तबका है वो समाज का है जिसमें बाकी सारे लोग इनपुट देते हैं, वहां से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। लेकिन अगर पेरेंट का कार्य व्यवहार सुनिश्चित होता है तो टीचर से सही कितना गलत लेना है, या सोसाइटी से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कौन सी चीज का अनुकरण करना है कौन सी चीज का अनुकरण करना है, पेरेंट के कार्य व्यवहार से वो सुनिश्चित करके वो ठीक ठीक सही गलत के बीच में अंतर को जान सकता है। इसलिए पहली जिम्मेदारी तो पेरेंट की होती है, इसलिए एजुकेशन संस्कार को यहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अब मैं बात करूं, अगर सही समझ का अभाव है और फीलिंग्स का अभाव है, मतलब ये मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे के प्रति बच्चा ठीक नहीं करना चाहता है, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट है, और उसके प्रति सम्मान का भाव भी ठीक ठीक नहीं रहता हूँ, क्योंकि आजकल के समय में ये छोटे का बड़े का सम्मान करो और वो तो छोटा है तो छोटे पे फटाफट हाथ उठा सकते हैं, ठीक है, स्नेह का भी अभाव होगा इसकी वजह से। ऐसी कंडीशन में तो बच्चे के अंदर भी ये विश्वास सम्मान का अभाव होगा और उसकी वजह से उसमें उसके अंदर द्वेष, अपोजिशन, रिवॉल्ट, स्ट्रगल वार जैसी स्थिति दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर मैं समझदार जिम्मेदार हूँ, भाव को ठीक ठीक समझता हूँ, मेरे में बच्चे के प्रति विश्वास निहित है, सम्मान निहित है, स्नेह का भाव निहित है, तो मैं बच्चे तक ठीक ठीक बात पहुँचाऊंगा, मेरे कार्य व्यवहार से वो भी ठीक ठीक सीखेगा, और यहाँ पर भी वो स्नेह का भाव, विश्वास का भाव और ये सब भाव जनरेट होते हैं, और इसको जनरेट करते हुए वो मेरे प्रति श्रद्धा भी रखता है कि मैंने उसको ठीक ठीक समझाया। टीचर और पेरेंट की जिम्मेदारी भी यही है कि विश्वास, सम्मान और स्नेह पूर्वक शरीर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं और उसकी समझ के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा ठीक ठीक निर्वहन करूं, और उस दौरान मेरा कार्य व्यवहार सुनिश्चित हो। एक्सीलेंस का मतलब मेरा कार्य व्यवहार सुनिश्चित हो, मैं चारों लेवल की व्यवस्थाओं को ठीक ठीक समझ कर उसी के अकॉर्डिंग जी रहा हूँ, ठीक है, और बच्चे को मैं साथ में लेकर चलने की प्रक्रिया में हूँ, उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक ठीक दिखा पाऊँ कि ये गलती हुई है, इसको ठीक किया जा सकता है, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं इसको ठीक ठीक निर्वहन करता हूँ तो बच्चे के अंदर मेरे प्रति विश्वास बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, और उसमें श्रद्धा आती है मेरे प्रति, उसमें गौरव का भाव होता है कि मैं उसके लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ, और ग्रेटिट्यूड का भी भाव आता है, और इस तरह से वह मेरे द्वारा, मतलब पेरेंट या टीचर के द्वारा इंस्पायर्ड होता है, इंस्पायर होता है, ठीक है, तो मैं उसका इंस्पिरेशन बन जाता हूँ, और उसकी एक्सीलेंस के लिए वह एक्सीलेंस के लिए मेरी सहायता लेते हुए वो धीरे धीरे प्रयास करता रहता है और उसका भी कार्य व्यवहार सुनिश्चित होने की तरफ बढ़ पाता है। लेकिन अगर ये सब एब्सेंट हो जाता है तो यहाँ पे वो सारी चीजें एब्सेंट होने लगती हैं, तो पेरेंट टीचर और चाइल्ड के बीच में जो संबंध है वो ठीक होने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहला तो सेल्फ रिफ्लेक्शन यह है कि यू डिड नॉट गेट द प्रपोजल फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग इन रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी फ्रॉम योर प्रीवियस जनरेशन, इट वॉज बिकॉज दे डिड नॉट हैव इट सो दे कुड नॉट शेयर इट, और दे डिड हैव इट बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर इट, पहली चीज, ठीक है। अगर सही समझ और संबंध के में सही समझ और सही भाव, या फिजिकल फैसिलिटीज में सही समझ और सही भाव आपके प्रीवियस जनरेशन से आपको प्रपोजल के रूप में नहीं मिली हैं, इसके क्या कारण रहे होंगे? एक तो उनके पास था नहीं इसलिए वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, या उनके पास था लेकिन वो आपको देना नहीं चाहते थे, एक तो इस पर रिफ्लेक्शन हो सकता है। दूसरा रिफ्लेक्शन हो सकता है कि अगर ये तीनों ही चीजों की रिक्वायरमेंट ठीक ठीक समझ गए हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, जो तीनों अभी पॉइंट पीछे हम लोग देख रहे थे पिछली स्लाइड में, तो उसमें अगर ये तीनों ही चीजें ठीक ठीक हैं तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो क्या है कि जो भी लैकिंग है उसको डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए, मतलब सही समझ और सही भाव के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसको दूसरों के साथ या प्रीवियस जनरेशन के साथ उसको शेयर करना चाहिए, एज वेल एज नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी शेयर करना चाहिए, या तो ये कंप्लेन करते रहना चाहिए, शिकायत करते रहना चाहिए कि उन्होंने मेरे लिए ठीक प्रयास नहीं किया, और फिर मैं भी बिना प्रयास किए चुपचाप बैठा रहूं और ये शिकायत करता रहूं कि
प्रीवियस जनरेशन ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तो क्या जिम्मेदारी बनती है? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, ये डिसाइड कर पाए कि क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस है मेरे लिए, ठीक है, मनमानी क्या है मेरे लिए, ठीक है, ये फॉलोइंग क्या है, ओबीडियंस क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और मेरा मोड क्या है डिसाइड करने का, इन सब में मैं किसके आधार पर डिसाइड कर रहा हूँ, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर या किसी भी तरीके से डिसाइड कर ले रहा हूँ, ये तीसरी चीज है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि या तो प्रीवियस जनरेशन के पास कुछ था नहीं इसलिए वो दे नहीं पाए, ठीक है, उनके पास होता तो जरूर शेयर करते आपके साथ संबंध भाव, अगर होता तो संबंध भाव भी होता तो शेयर कर पाते, ठीक है, और अगर वो जो लैकिंग चीजें हैं ट्रस्ट रिस्पेक्ट और ये आपका अफेक्शन, ये तीनों चीजें अगर मिसिंग हैं तो ऐसी कंडीशन में मैं उसको डेवलप करूं, प्रीवियस जनरेशन के साथ भी उसको शेयर करूं, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी शेयर करना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, ताकि नेक्स्ट जनरेशन और ठीक हो जाए। तो बैठ कर कंप्लेन करने से तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है, और नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ये वेरिफिकेशन करूं, जो भी सर स्वीकार्य है सबके लिए उसके आधार पर वेरीफाई करता जाऊं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ये डिसाइड मोड और डिसाइडिंग होने डिसाइड करने का ये मोड होने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन संस्कार में लगातार काम करने की आवश्यकता होती है, अपना कार्य व्यवहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चा स्वानुशासित हो पाए और फिर उसका बच्चा स्वानुशासित हो पाए और ये प्रक्रिया चलती रहे और मानव समाज ठीक ठीक बन पाए, सही दिशा में वो कदम आगे बढ़ा पाए, अदरवाइज हमारे समाज में जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है वो हम देख ही पा रहे हैं। तो चलिए, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, जहां तक बात पहुंच जाए वहां तक कार्य कर सकते हैं, जिस एज ग्रुप में पता चल जाए कि कुछ गलत हुआ है वहां ठीक कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने ऊपर काम करके वहां से चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से ही कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बात दूर दूर तक जाए इसके लिए दूर दूर तक इस लिंक को सेंड करें, सो देट कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो और भी इससे रिलेटेड वीडियोज है उसको प्राप्त करते रहें, AKTU के एग्जाम में भी लिख कर आ सकें और अपने अंदर भी कुछ जो अनुशासन है वो ठीक ठीक बन पाए, ठीक है, अपने में ठीक ठीक समझ बन पाए, ताकि अगली जनरेशन और ठीक हो पाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और सभी को नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार।